नमस्कार जैन साथियों, मेरे प्रोफेसर आप देख रहे हैं अपने पैडचर रूपसक पास। तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, मैं आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके परीक्षा का जो समय होगा आपके पास 3 घंटे होगा और आपके जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 70 अंक है। बाकी के जो 30 अंक है वो आपको प्रैक्टिकल के परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके परीक्षा से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि प्रत्येक खंड में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका उत्तर लिखे। तो यहाँ पर आपको 4 खंड दिए जाएंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। तो आप इन पूरे खंडों को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पहला विकल्प है वो है सबसे प्रबल अपचायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो यहाँ पर जो सबसे प्रबल अपचायक है वो आयोडीन हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा विकल्प है अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और प्रश्न क्रमांक 3 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसका ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है SO2 के व्यंजन क्रिया का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन। और प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 H3PO3। तो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैंने जो खंड अ मतलब जो सही विकल्प उनके पूरे प्रश्नों का यहाँ पर मैंने आपको टिक करके बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो, इसे आप बार बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपको यह याद हो जाएंगे। 2 या 3 बार पढ़ने से आप तो इसे आसानी से याद कर सकते हो। अब बात आती है प्रश्न क्रमांक 2। तो आपके जो परीक्षा का जो प्रश्न क्रमांक 2 होता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा जाता है। इसमें भी आपका जो प्रत्येक रिक्त स्थान होता है वो 1 अंक का होता है। और यहाँ पर अ वाला क्वेश्चन है, सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान की होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है उसकी सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। और क्वेश्चन है ब वाला, सामान्य ताप पर ब्रोमीन खालिस्तान है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस। इसमें से आपको बताना है कि सामान्य ताप पर ब्रोमीन क्या होता है। तो सामान्य ताप पर जो ब्रोमीन वो द्रव होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 3 है, क्लोरीन की खोज खालिस्तान ने की थी, तो यहाँ पर आपको क्लोरीन की जो खोज है खोजकर्ता उनका नाम बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिले। जो क्लोरीन की खोज की है उन्होंने सिले ने की थी। और प्रश्न क्रमांक है, ब्लीचिंग पाउडर को खालिस्तान भी कहा जाता है, मतलब यहाँ आपको बताना है कि जो व्यंजक चूर्ण है मतलब ब्लीचिंग पाउडर को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो जो व्यंजक चूर्ण है उसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है। और प्रश्न क्रमांक ये वाला है, हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा O3 मतलब ओजोन गैस। जो ओजोन गैस उसे हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। वाला क्वेश्चन है, जल का घनत्व खालिस्तान ताप पर अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, तो यहाँ पर प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ पर अ वाले का मिलन आपको ब से करना है, तो यहाँ पर अ वाला सिक्का धातु, तो इसका मिलन आपको करना है कॉपर सिल्वर और गोल्ड से। जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है वो सिक्का धातु है। और दूसरा है ब वाला, दुर्लभ मृदा तत्व, तो इसका मिलन आपको ए ब्लॉक के तत्वों से करना है। और तीसरा है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु का मिलन आप कीजिएगा लेंथेनाइड और आयरन से। और द वाला सही जोड़ी है असामान्य व्यवहार, तो जो फ्लोरीन है वो असामान्य व्यवहार दर्शाता है। और यहाँ पर बताया कि सभी रेडियोधर्मी एक्टिनाइट, मतलब जो एक्टिनाइट है वो सभी रेडियोधर्मी है। तो यहाँ पर आपको मैंने सही जोड़ी का जो मिलान वो करके बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है प्रश्न क्रमांक 4 और बाकी जो खंड ब से लेकर खंड द के जो क्वेश्चन है आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। पार्ट 2 को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कर बता रहा हूँ। और अपने दोस्त का इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे वो भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सके और उनकी परीक्षा की जो तैयारी वो अच्छे से हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मित्रगणों में जय हिंद।